बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लॉन्ग कोट, और ये पिक्चर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस तरह का हमें कोट बनाना है। इसकी लंबाई मैंने ली है 41 इंच, और 1 इंच मैंने बढ़ा कर लिया है, 42 इंच लंबाई ली है, और ये 18 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। ये देखें, ये एक फ्रंट का और ये बैक का है। ये बैक के हम ये बन साइड मेरी तरफ है, इधर हम ये 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर देखें इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। बैक साइड को हम बड़ा कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया है, और ये फ्रंट का हिस्सा है, इसको हम निशान के यहाँ से रखना है। हमें इधर से ये निशान के इधर से हमें रखना है इसको। ये देखें, ये हमने निशान लगाया था। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। मैं इसका शोल्डर का निशान 8 इंच पे लगाया है, मैंने थोड़ा बढ़ा कर लिया है 1/2 इंच, और इसके आर्म होल का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है। ये चेस्ट का निशान लगाऊंगी मैं 11 इंच पे, और मैंने इसको 1/2 इंच बढ़ा लिया है, और ये 10 इंच पे हम लगाएंगे कमर का निशान। और यहाँ से हम 21 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हम हिप का निशान लगाएंगे इसका। ये हमने 12 इंच पे लगाया हिप का निशान इसका। ये इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे पहले। ये देखें, इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब ये स्केल की मदद से हम इन निशानों को मिला देंगे। ये देखें, इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। और इधर से हम ये 1 इंच पे हम इधर से निशान लगाएंगे इसके। ये आर्म होल का हम निशान लगाएंगे गोलाई में, और ये एक निशान और हम इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इधर से कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ। 1.5 इंच हम इधर से कपड़ा बढ़ा कर लेंगे। इधर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसके शोल्डर को डाउन करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिए हैं इसके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसे ए लाइन शेप में हमने इसकी कटिंग की है। अब ये फ्रंट के आर्म होल की हम थोड़ी और कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब ये हम नीचे से इसको 1.5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो इसका हम नेक कट करेंगे पहले।
हेडर से मैंने इसको ये 3.5 इंच पे मैं इसकी निशान लगाऊंगी चौड़ाई का नेक का। और इधर से हम ये 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि ये कोट है तो इसको हम इधर से इतना नेक रखेंगे इसका। अब हम इसकी इधर से कटिंग कर लेंगे। और इधर से भी हम इसको फ्रंट में से सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इधर हम ये पट्टी लगाएंगे और ये इसकी हम स्लीव्स कट करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने 2 हिस्सों में काट कर रखा हुआ है कपड़ा। इसकी 22 इंच मैंने लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। इधर से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे हम एक निशान इधर लगा लेंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे इस तरह से। ये मैं इसकी अम्ब्रेला आस्तीन बनाऊंगी तो इधर से मैंने एक निशान लगाया है 11 इंच पे और इधर से हम 7 इंच पे निशान लेंगे। अब हम ये इधर से इसके स्लीव्स का निशान लगाएंगे और एक निशान इस तरह से लगाएंगे हम इसकी। और इधर से हम अम्ब्रेला शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कॉटन फैब्रिक है जिससे मैं ये कोट तैयार कर रही हूँ। और इधर से भी हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इन दोनों को फोल्ड कर रखेंगे और जो फ्रंट के आर्म होल की कटिंग होती है वो करेंगे हम इसकी। ये देखें इस तरह से हम दोनों को मिला कर रखा है और इस तरह से हम एक निशान लगाएंगे ये 1/2 इंच पे और इधर से इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब ये देखें मैंने ये 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है बुकरम की। इसकी लंबाई जो कोट की लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर हमने ये पट्टी ली हुई है। इस बुकरम को हम इसके ऊपर रख कर चिपकाएंगे आयरन की मदद से। और इस पट्टी के हम बुकरम को और जोड़ लेंगे क्योंकि ये देखें इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ये देखें मैंने ये इतनी लंबी पट्टी बनाई है इसकी। ये इसके हमने सेंटर में निशान लगा लिया है। अब ये नेक का निशान लगा लेंगे हम। ये 7 इंच पे हमें निशान लगाना है। इधर से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया उधर से भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। हमें देखिए इस तरह से ये नेक पे लगानी है पट्टी।
ये इस तरह से हम इस पर पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को इस तरह रख कर इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। इस तरह रखकर हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम इसका सेंटर बना लेंगे बैक साइड्स का। ये इस तरह से हम इधर निशान लगा लेंगे। ये हमने जो अभी पट्टी बनाई थी, ये इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसके सेंटर का निशान लगाया था। अब ये इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने कट का निशान लगाया है और इस पर चौक का निशान लगाया है, इसके बराबर आना चाहिए। ये देखें, इस तरह से हम इसके पट्टी के अंदर कपड़े को रखेंगे और फिर इस पर सिलाई करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने ये पूरे में पट्टी लगा ली है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पट्टी लगाई है इसके। ये फ्रंट से ओपन है तो इस तरह से हमने इसमें पट्टी लगा कर इसको चाइना कलर की तरह की शेप दी है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। ये मेरे पास इसकी स्लिप है और ये स्लिप के नीचे हमने ये पट्टी ली है वो लगाएंगे हम इसके अंदर। ये देखिए, मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी है। ये इसको हम इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये हम पट्टी लगाएंगे तो ये कोट के आस्तीनों में अच्छी लगेंगी। अगर हम इसे बारीक सा मोड़ते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से ये हम पट्टी लगाएंगे तो इसको इसमें और अच्छा लुक आएगा। ये देखें, हमने बना ली है। अब ये स्लीव की भी हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसको
कमीज के साथ जोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से कमीज का आर्मोल है, इसके साथ हम इसको इस तरह रखकर जोड़ेंगे। ये जो साइड में कमीज के कपड़ा होता है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह फोल्ड करने से आस्तीन में खिंचाव नहीं आता है। ये देखें, इस तरह से ये हमने स्लिट जोड़ ली है दोनों साइड की, और ये इस तरह से ये हमने कोट तैयार कर लिया है, और इसके नीचे भी हमने इसी तरह से पट्टी बनाकर लगाई है जिस तरह से हमने आस्तीन में लगाई थी। ये देखें, इस तरह से ये इस तरह से हमने ये कोट तैयार कर लिया है इसका। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।